Hi guys, welcome back to the channel Traveler Asia Desi. You are watching Odisha, India's best kept secret. और वही सीक्रेट मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ इस व्लॉग में. सो लेट गेट स्टार्टेड. क्या आपको पता है ओडिशा के अंदर भी एक टुकड़ा टिबेट है? हाँ, आप ठीक ही सुने हैं, टिबेट. एक पूरा गांव जहाँ पे टिबेटन लोग, टिबेटन कल्चर आपको भरी हुई दिखेगी. जहाँ जाके आपको हिमालयन रीजन का फील आएगी, जैसे कि कोई हिमालयन गांव पे जाके आपको फील होती है, वैसा ही फील आपको आएगी. तो मैं आज आपको वहीं पे ले जा रही हूँ. जाते जाते आप देख ही रहे होंगे रास्ते पे चारों तरफ कितने पहाड़ खिल रहे हैं. ओडिशा पे इतने सारे पहाड़ भी हुए, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था पहले. मैं यहाँ कुछ दूर जाने के बाद ही देख रही हूँ चारों तरफ पहाड़ है. होटल से हम ब्रह्मपुर में, मैं जो होटल पे हूँ वहाँ से थोड़ा आके यहाँ पे तप्त पानी है. तप्त पानी ये एक हॉट स्प्रिंग है, इसी को तप्त पानी कहते. तो हम जाते जाते ये भी देख लेते हैं. ये एक फेमस हॉट सल्फर वाटर स्प्रिंग है. ये देखिए ये हॉट स्प्रिंग, यहाँ पे मेडिसिनल सल्फर वाटर निकलते हैं अंदर से, जो कि हॉट वाटर होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है. इसलिए यहाँ लोग आते या ट्राइबल लोग जाके पूजा भी देते हैं, इसलिए मंदिर से बनाए हुए हैं. और अंदर पॉन्ड है जहाँ यहाँ से थर्मल वाटर जाते हैं, वहाँ नहाने का भी बंदोबस्त है. और ये है बाहर से टेम्पल और अंदर नहाने के लिए पॉन्ड है. मैं यहाँ हाथ में थोड़ा पानी ली, पानी मुझे दिए हाथ में, मैं वो बदन पे थोड़ा लगा ली क्योंकि सेहत के लिए अच्छे बोले तो. इसलिए ये 300 साल से भी ज़्यादा पुराना कहा जाता है. ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट के सनाखेमुंटी ब्लॉक पे है. गंजाम डिस्ट्रिक्ट पे तो है पर ये गजपति डिस्ट्रिक्ट के मोहाना टाउन से नज़दीक है. मोहाना टाउन से ओनली 18 किलोमीटर है. तो वह तप्त पानी से थोड़ा आगे आके, जहाँ हम अभी गजपति डिस्ट्रिक्ट पे एंट्री हो चुके हैं, थोड़ा आके यहाँ रुके हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी नज़ारा है. यहाँ पे देखिए चारों तरफ ये हाईवे है पर दोनों तरफ खिलते हुए पहाड़ों का लाइन लगी हुई है. तो हम यहाँ थोड़ा रुके, थोड़ा फ़ोटो खींचे, फ़ोटो आपको बाद में ज़रूर दिखाएंगे. पर अभी हम आगे चलते आपको और भी बहुत सारे खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए. ये कार हम एक दिन के लिए बुक किए हैं हिंदुस्तान ट्रैवल एजेंसी से. हिंदुस्तान ट्रैवल एजेंसी ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन के बगल में ही है. आप वहाँ जाके पूछेंगे तो कोई भी आपको दिखा देंगे. वहाँ से आप कार बुक कर सकते हैं साइट सीइंग के लिए. और अभी हम आके खशरा, ये है खशरा वाटरफॉल्स. जो भी टिबेटन गांव पे जाते हैं खशरा ज़रूर आते हैं क्योंकि नज़दीकी पड़ते हैं. ये है गजपति डिस्ट्रिक्ट के चंद्रगिरी टाउन के पास है खशरा वाटरफॉल्स. हम फॉल्स के पास ले जाते हैं आपको. ये एक रॉकी एरिया है, सूखा एरिया है, मानसून के टाइम पानी ज़्यादा होते हैं. यह भी ऊपर टिबेटन प्रेयर्स के फ्लैग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं. तो ये भी टिबेटन गांव के अंदर ही होते हैं. और सामने देख रही है और भी लोग आए हैं. ये टूरिस्ट स्पॉट तो है ही, गजपति डिस्ट्रिक्ट के खास टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है. और एक पिकनिक स्पॉट भी है, पिकनिक के लिए भी लोकल लोग बहुत यहाँ पर आते हैं. ब्रह्मपुर से ये 100 किलोमीटर दूर पड़ते हैं. ये देखिए नज़ारा. कितनी खूबसूरत वाटरफॉल्स से आप अगर यहाँ पे आए तो ये वाटरफॉल्स बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. हम सुबह पे आए हैं तो थोड़ा धूप है, शाम को इवनिंग पे शायद और भी अच्छी लगेगी. यहाँ जितना चाहे टाइम बिता सकते हैं. और यहाँ एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है. यहाँ जितना टाइम वॉक गुजार सकते हैं, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है.
पर हाँ आप कार बुक करके आइए। यहाँ पे लोकल बस भी चलते हैं, पर वो क्या है कि ये जगह रहने लायक उतना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि बहुत खाली खाली है चारों तरफ। तो आप ज़रूर, आपको रिटर्न के लिए आपके पास कार हो ये ज़रूरी है, तो ये सिक्योर करके आप आइए। यहाँ से भी अभी जाना पड़ेगा, हम आपको ले जाएंगे टिबेटन गांव के अंदर। और जाते जाते यहाँ रास्ते भी कुछ ऊंचा नीचा शहर सामने बहुत ढेर सारे लैंप भाग रहे। यहाँ पे जैसे गांव पे देखते हैं ना लैंप, वैसे यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैं इतने लैंप देखी हूँ, तो अच्छी लग रही थी। यहाँ आते आते फॉक्स भी देखी, रास्ते से फॉक्स जा रहे थे। और हम अभी आ गए चिरंग। यह चिरंग मोनास्ट्री के गेट है। यहाँ पे 15 रुपये पार्किंग के लिए देना पड़ा, फिर हम आगे जाके चलते हैं। यही है चंद्रगिरी विलेज, चंद्रगिरी टाउन, जहाँ पे ये टिबेटन विलेज है। यहाँ पे टिबेटन कम्युनिटीज़ रहते हैं। यहाँ पे भी देखिए हिमालयन रीजन के तरह चारों तरफ पहाड़ पहाड़ दिखेगी आपको। और यहीं पे ही है चिरंग मोनास्ट्री, जहाँ दूर दूर से भी लोग देखने को आते हैं। यह एक बहुत बड़ा सा लेक भी है लेफ्ट के तरफ। हम आगे चल रहे मोनास्ट्री के पास, चलिए देखते हैं। ये गेट लग रहे, हाँ गेट से हम आगे आ चुके हैं। तो हम आके, ये है चिरंग मोनास्ट्री, इसी को टिबेटन गांव का सबसे बड़ा मोनास्ट्री है। टिबेटन लोग, टिबेटन कल्चर, टिबेटन सेटलमेंट यहीं पे हुए हैं। एक्चुअली जब 1960s पे टिबेट में थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, जब दलाई लामा आए थे इंडिया पे, तो बहुत सारे टिबेटन लोग यहाँ पे आ गए थे। इंडिया में कुछ जगह पे इन लोगों के लिए सेटलमेंट किया गया था, तो उनमें से एक है सबसे बड़ी सेटलमेंट्स में उड़ीसा में, ये चिरंग है जहाँ पे टिबेटन सेटलमेंट हुआ था। उस वक्त से अभी तक ये लोग यहाँ पे है। इन लोगों का यहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। टिबेटन लोग जो ऊल से जो कारपेट बनाते हैं, तो उसका बहुत मायने रखते हैं यहाँ के जीडीपी पे। लोकल मार्केट पे भी आपको वो मिलेगी। और ये आप अभी देख रहे चिरंग मोनास्ट्री, जिसको पद्मसंभव महाविहार भी कहा जाता है, और टिबेटन लैंग्वेज में इसको थुपटन मिंडोलिंग मोनास्ट्री कहा जाता है। एक्चुअली इट इज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया, इन होल ईस्टर्न इंडिया। और देखिए ऐसे फ्लावर्स में सिक्किम पे देखे थे, और यहाँ पे भी है वैसे फ्लावर्स, हर हिमालयन रीजन में मिलते हैं, आप अगर जाए तो देखेंगे। और यहीं पे भी मुझे ये सिमिलरिटीज़ मिली, तो फ्लावर्स भी ये वही लाके, वही से शायद लाके लगाए हैं। तो चलिए आप मोनास्ट्री के अंदर आपको दिखाते हैं। ये है लॉर्ड बुद्धा के एक बिग स्टैचू है, और अंदर यहाँ के बच्चे जो प्रेयर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। अंदर सबको जाना अलाउ नहीं है, पर बाहर से आप चाहे जितना तक चाहे आप देख सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। और यहाँ के डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत है, जैसे हर मोनास्ट्री पे होते हैं। देखिए जैसे मोनास्ट्री के दीवार पे पेंटिंग्स वगैरह होते हैं, वैसे ही है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे टिबेटन मोमोस नूडल्स भी मिलते हैं बाहर, वहाँ भी आप लंच कर सकते हैं। आप इतना दूर आके फिर आते आते आपको दोपहर हो जाती है, तो आप लंच का भी यहाँ पे बंदोबस्त है। और ये है घंटाघर, यह घंटाघर इसके सामने ही है, मोनास्ट्री के सामने घंटाघर है। इस पे क्या है आगे जाके देखते हैं। हर मोनास्ट्री पे भी आप गेस्ट हाउस भी है, या आपको रहना है एक दो दिन, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो घंटाघर इसको कहते हैं, तो देख रहे अंदर ऐसा बना हुआ है। और हाँ यहाँ पे घंटा भी है जिसको विशिंग व्हील कहते हैं। ये देखिए जो हर मोनास्ट्री पे होते बड़ा सा छोटा सा ऐसा है, इसीलिए इसको शायद घंटा घर बोलते।
तो आपको ये जगह कैसी लगी बोलिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था इसके बारे में। मैं आते आते रिसर्च करते करते यहाँ पे लोगों को भी पूछते पूछते जहाँ पे ट्रैवल एजेंसी गई वहाँ भी पूछे है, तो धीरे धीरे मुझे पता चला और आके मैं देख रही हूँ नज़ारे। मुझे वैसे ही पहाड़ी एरिया बहुत ही पसंद है। चलिए हम भी थोड़ा विश कर लेते हैं विशिंग व्हील से। तो ये जगह मुझे बहुत दिन तक याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। ये वैसे एक जगह है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्लीजेंट है। बहुत कुछ जगह ऐसे होते हैं ना, ऐसे बहुत सुकून सा मिलती है, तो ये भी एक वैसी जगह लगी मुझे यहाँ पे आके। ओडिशा पे मैं मुझे ऐसी जगह मिले कि मुझे शायद मेरी इमेजिनेशन पे नहीं था ये। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।